आप सब अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज का ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर दी हूँ और मैंने बाल धुला था तो अभी कंघे भी नहीं की हूँ, बस बिंदी और लिपस्टिक लगा ली हूँ, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ। तो कंघे करके फिर सिंदूर लगाऊंगी। क्या क्लास चलता है 8 बजे से शुरू हो जाता है तो यहीं पे बैठ के पढ़ रही थी और पूरे बिस्तर पे बुक कॉपी पेंसिल पेन सब फैला के रखी थी तो मैं वही समेटती हूँ और कंघे कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ किचन में। आज का ब्लॉग मैं बग बग ब्लॉग लेके आई हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगे और मैं आप लोग से बहुत सारी बातें करूँ। वैसे तो मैं बातें कम करती हूँ लेकिन करूँगी, देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। सबसे पहले मैं बाल को सुलझा लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बाल भी आजकल जो है 5-6 दिन में धुलने लायक हो जाते हैं। बड़े बाल हैं तो मैं जल्दी मतलब 2-3 दिन में ही नहीं धुल लेती हूँ, मुझे 5-6 दिन 1 हफ्ते तो ज़रूर लग जाते हैं बाल को धुलने में। तो और ये गुस्सा करते हैं कि गर्मियों में रोज़ बाल धुलना चाहिए, तो औरत के लिए कहाँ इतना ज़्यादा वो है कि रोज़ बाल धुलेंगी। बाल धुलने का मतलब फिर 1 घंटा लगता है बालों के पीछे। तो मैं डेली बाल नहीं धुलती हूँ, बस 5-6 दिन में एक बार धुल लेती हूँ बाल को। खरीदने जाओ तो चमक दमक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिर वो बाद में बेकार हो जाते हैं। और सबसे अच्छी चूड़ियाँ तो डेली यूज के लिए प्लेन ही रहती हैं। ये कुछ चूड़ियाँ टूट गई हैं, इसकी तो कुछ ही हैं, तो मैंने सोचा चलो दो चार करके पहन डालूँगी, क्योंकि पुरानी हो जाती हैं तो फिर जो 1 दर्जन का या 2 दर्जन का सेट रहता है तो उसमें से कुछ टूटती जाती हैं, तो कुछ कुछ बच्चे रहते हैं तो उसको डेली यूज में ले लेते हैं और पहन डालते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। यह हमारे खान पान पर डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं और कैसा भोजन हम खाने में ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ लौकी के छिलके की सब्ज़ी, जो कि आपको रखेगी हिट और फिट। लौकी में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, उसके साथ ही डाइट्री फाइबर्स भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि कब्ज़ को दूर करने में मददगार होती है। लौकी वेट लूज करने में भी फ़ायदेमंद है और हमारे हृदय को भी स्वस्थ रखती है, लीवर को भी मजबूत बनाती है। और लौकी से बनी हुई यह सब्ज़ी डायबिटीज़ के मरीजों और रोगियों के लिए तथा किडनी से संबंधित बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ज़्यादातर लोगों को लौकी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, उसको टेस्टी बनाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा आलू और अपने टेस्ट के अनुसार हल्के मसाले डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं दूध चढ़ा दूंगी एक तरफ और एक तरफ मैं चढ़ा दूंगी दाल। और मैं अभी दवा खाई, मुझे प्यास बहुत जोर से लगी थी तो मैंने दवा खाई उसी समय। अब दवा खाने को भूल जाती हूँ तो फिर मुझे पता भी नहीं रहता कि मैं दवा खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ। और ऐसी दवा है कि मुझे डेली खानी पड़ती है, अगर किसी दिन नहीं खाऊँ तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो मुझे प्यास भी लगी थी और एक याद आया कि मैंने दवा भी नहीं खाई है, तो मैंने दवा भी खा ली है और अब बना लेती हूँ खाना। साड़ी पहनने में और ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन रिक्वेस्ट रहती है कि साड़ी पहन के ही ब्लॉग बनाइए, तो इसलिए पहनना पड़ता है, नहीं तो फिर सूट में ही ब्लॉग बना लें तो सूट में कम गर्मी लगती है लेकिन साड़ी में ज़्यादा गर्मी लगती है। तो
मेरे पास क्या, मैं आज बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी। और मैं आज लौकी की सब्जी कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय करिए। मैं आज सब्जी लौकी की छिलके की बनाने वाली हूँ, और इसका जो बीज का है लौकी का, इसको मैं रख दूंगी, रायता बना लूंगी। मैंने कहीं पे ये सब्जी देखा था किसी के वीडियो में, तो मुझे अच्छी लगी। अब देखिए बनाने के बाद पता चलता है कि अच्छी है कि नहीं है, खाने में कैसी लगती है, तो खाने के बाद आप लोग को बताऊंगी बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही हूँ। तेल मेरा गर्म हो गया है और मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले जीरा। और मैंने इसमें इस तरह की काटी है, पतला छिलका नहीं निकाला है, थोड़ा सा पल्प भी निकाला है इसका, इसके जो लौकी के छिलके के नीचे रहता है। और मैंने यहाँ पे दो आलू काट लिए है, एक टमाटर और खड़ी मिर्ची काटी है हरी वाली। आप चाहें तो और ज्यादा मिर्ची डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कम ज्यादा तीखा खाते हैं, तो मेरे यहाँ ज्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो मैंने इसलिए ज्यादा मिर्ची नहीं काटी है, और ये मिर्ची तीखी वाली है, तो इसको मैं अब डाल दूंगी। सभी एक साथ में डाल देना है। डालने के बाद इसे अभी हमें ढक देना है जब तक कि लौकी का छिलका जो है सॉफ्ट ना हो जाए। और मैं आज को तेज ही रखी हूँ, अभी लौकी पानी छोड़ेगा तो इसलिए मैंने तेज कर दिया है, और तेज रहने पे थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम मसाले ऐड करेंगे और एक चीज और ऐड करेंगे, और वीडियो पे बने रहिएगा देखने के लिए। तो इस सब्जी में पड़ती है सीक्रेट है, तो सीक्रेट चीज ये है बेसन जो इस सब्जी में पड़ती है, तो मैंने सब्जी को किनारे लगा दिया है, और जो इसमें साइड में तेल है तो मैं इसी बेसन को डाल दूंगी, और बेसन का कच्चापन निकल जाएगा। और जब तक बेसन पक रहा है मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले। मसाले में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला और धनिया पाउडर, और मैंने डाला है नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, जैसे कम ज्यादा खाते हैं उसी तरह से डालिएगा। बेसन मेरा पक गया है, मैं सभी मसाले और बेसन को मिक्स कर लूंगी।
इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, पानी ज्यादा नहीं ऐड करना है, बस इतना ऐड करना है कि सब्जी आलू और लौकी पक जाए। इसको मैं ढक दूंगी 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में पक जाएगा, आधा पक चुकी है और आधा ही बाकी है जो कि पानी में पक जाएगी। एक बार मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चेक करके देखती हूँ। मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है, बस मसाले ही डाले हैं। मिलती हूँ आप लोग को खाने के बाद। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम लोग का खाना पीना हो गया है और मैंने जो सब्जी बनाई थी आप लोग जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनी थी सब्जी, तो सबको बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी और मेरे सर को भी बहुत अच्छी लगी। मैंने इनसे पूछा भी कि किसकी सब्जी है, अच्छी बनी है कि नहीं, तो इन्होंने बोला पहले बताओ किसकी सब्जी है, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला फिर बताइए किसकी सब्जी है, तो इन्होंने बोला कि मैंने तो टिंडा लाया ही नहीं है, ये टिंडा जैसे कुछ लग रही है लेकिन टिंडे से ज़्यादा अच्छी सब्जी है। तब मैंने बताया कि नहीं, ये लौकी की छिलके की सब्जी है। और मैंने जब उनकी वीडियो देखी तो मुझे भी एक बार थोड़ा अजीब लगा कि अरे लौकी के छिलके की सब्जी बना रही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ और आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और मैंने सुबह जब बाल धुला था तो फिर थोड़ा गीले गीले थे, तो मैंने जूड़ा बना लिया था वैसे गीले बालों में, तो सूखे नहीं थे, तो मैं अभी थोड़ा फुर्सत में हुए तो मैंने सोचा कि चलो खोल देते हूँ, सूख जाएगा अच्छे से। और जब तक खोल के नहीं रखेंगे, फैन के नीचे नहीं बैठेंगे तो सूखेगा नहीं। मेरे पास हेयर ड्रायर भी है लेकिन मैं उससे बहुत कम सुखाती हूँ, ठंडियों में सुखाती हूँ उससे। और मेरे बच्चों के अभी बाल दोनों के बहुत बड़े हैं, तो जैसे ठंडी में धूप नहीं होती या इन लोग को स्कूल जाना रहता है जल्दी सुबह, तो उसे हेयर ड्रायर से सुखा लेते हैं और मैं तो धूप में ही सुखा लेती हूँ। जिस दिन धूप नहीं निकलती है ठंडियों में तो मैं उसको यूज करती हूँ। अभी तो गर्मी का सीजन है तो अभी तो फैन के नीचे ही सूख जाएगा। बस काम करते समय खुले बाल जब रहते हैं तो थोड़ा उलझन सी लगती है मुझे, इसलिए मैं काम करते समय हमेशा जूड़ा बना के रखती हूँ और गर्मियों में तो अक्सर जूड़ा बना लेती हूँ। और मेरे बाल सूख जाएंगे तो फिर मैं इसको जूड़ा बना लूँगी। आज के वीडियो बस इतना ही और हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।